सोनू भाई स्लो मोशन बना रहे थे और स्लो मोशन तो नहीं बना लेकिन अलग क्लिप क्लिप बनाने के चक्कर में दो कपल आ गए और उन्होंने बाट लगा दी। क्या पता कब बना भाई, बना ले जल्दी बना ले। तो भाई वीआईपी पर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं और दूर दूर से काफ़ी लोग आ रहे हैं जो कि भोपाल के ही जाना है। सिर्फ एक ही चीज़ कर रही है और वो है गर्लफ्रेंड, जो कि हम तीनों में से किसी की नहीं है। हाय दर्द, इस दर्द को फील कर सकते हैं भाई हम, इस दर्द को हम सभी फील कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता इस भाई। मेरी तो बनी नहीं भाई, कभी भी नहीं बनी। मत रो भाई, हमारी जिंदगी में आई गई पता नहीं कितनी आई। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। कितनी आई कितनी गई, लेकिन नसीब फिर भी सिंगल लौंडे। तो भाई साहब यहाँ से पता नहीं कौन सा नेता इड़ गया, नेता हर कोई कहता तीसरी मंजिल पर रहता, सही कहता भगत सिंह। जगदीश भगत बोलता जगदीश भगत बोलता नहीं भाई, जगदीश भगत बोलता भाई, ये भी पंडित ही है। पंडित भाई पंडित हूँ मैं भाई, क्या व्यू आ रहा है देख सकते हैं आप। मेरे पीछे जो कि है बड़ा तालाब, जो कि साला वीडियो में आता है, जो कि हर एक न्यूज़ में दिखता होगा आपको, बड़ा तालाब जो कि है ये रहा। और ये रही राजा भोज की मूर्ति, जहाँ की आप देख सकते हैं शाम के टाइम पर, और अच्छा लगता है। अभी तो खैर धूप है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा धूप है, तो शाम को और अच्छा लगता है यहाँ पे। शाम को आते लेकिन मजबूरी थी हमारी भी थोड़ी, शाम को आ नहीं सकते थे क्योंकि शाम को गौरव भाई और सोनू भाई को काम रहता है, थोड़ा मेरे को भी काम रहता है, इसलिए हम नहीं आ पाते शाम को। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं कमला पार्क के पास, यहाँ पे कमला पार्क है और राजा भोज का सेतु का ब्रिज भी है, वहाँ पे चल के देखते हैं वहाँ पे नज़ारा कैसा दिखता है। चलिए चलते हैं। तो फाइनली गाइस जा रहे हैं अब हम हमारे घर पर, और आज बहुत घूमा, वीआईपी घूमा और वीआईपी के साथ हमने राजा भोज सेतु भी घूमा और राजा भोज की वो हमने स्टेचू भी देखी और सब कुछ देखा, बड़ा मजा आया। गौरव भाई भी कहने लगे आज बहुत मजा आया, दिल दुखा थोड़ा सा सिंगल होने के लिए बस इसी बात का गम था जिंदगी में और इसी बात का गम रहेगा जब तक कुछ हो ना जाए जिंदगी में। तब तक मिलेंगे अगले ब्लॉग में, अगले संडे मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।